जो सच्चाई अनुरुद्ध सबसे छिपा रहा होता है जाना के बारे में, वो सभी सबके सामने आ जाती है। चीजें कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है क्योंकि जब गुरुजी सबके साथ लड़ करके वह जाना को अपने घर लेकर के जाता है तो उसकी बीवी जाना को घर से निकाल देती है। और बस ये सारी चीजें ना धीरे धीरे और ज्यादा मजेदार होती जा रही होती है, जो सच में काफी बेहतरीन हो जाती है। क्योंकि जब वे सबके सामने ये फैसला करता है कि जाना किस जॉब को छोड़ करके मेरी असिस्टेंट बनेगी, तो चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है। क्योंकि अब उन सबके सामने कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता, वो तो जाना को बस बाहर निकालना चाहता है कि वो कंपटीशन में भाग ना ले। वो लोग भी समझ जाते हैं कि रुद्र प्रताप कोई छोटा मोटा आदमी है नहीं, क्योंकि रुद्र प्रताप भी बार बार धमकी दे रहा होता है कि मैं अगर आप लोगों ने कुछ भी उल्टा सीधी बात की मेरे साथ में या फिर जाना के साथ में कुछ भी बदतमीजी, तो मैं डायरेक्ट चैनल के पास में जाऊंगा। आप सोच लीजिएगा कि आप लोग का हालत क्या होगा, क्योंकि मैं बचपन से ही इसी इंडस्ट्री में पला बड़ा हूँ। प्लीज आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। अब वो लोग डर जाते हैं और जाना को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लोग ठीक है वो कंपटीशन भाग ले सकते हैं, उसका जो मन वो कर सकते हैं। वहीं जाना को जब लेकर के रुद्र प्रताप घर जाता है ना, तो उसकी बीबी इस बात से बहुत गुस्सा करती है कि कोई जवान लड़की जो मेरे घर में रह रही है वो भी मेरे पति लेकर क्या है, ऐसा नहीं हो सकता। इसको लगता है कि हो सकता है कि उस लड़की के साथ में कोई चक्कर हो। बाद में रुद्र प्रताप समझाता है कि मैं इसे अपनी बहन जैसा मानता हूँ, अपनी बेटी जैसा मानता हूँ और तुम प्लीज ऐसा बातें मत सोचो। बट फिर भी वो घर से निकाल देती है। हालांकि बाद में रुद्र प्रताप हो सकता है कि उसके खिलाफ जा करके जाना की मदद करेगा, क्योंकि वाकई में जाना बहुत अच्छा डांस करती है और उसे लगता है कि एक शिष्य का मदद करना एक गुरु का फर्ज होता है और शायद अगर मुझे कुछ कुर्बानी भी देनी पड़े तो मैं दूंगा। तो जाने के लिए स्टैंड लेता है और काफी चीजें ये इसके खिलाफ भी जाती है, बट इसे कोई परवाह नहीं है। यही जस्ट अपोजिशन में बिल्कुल लोग अब अनुरोध के घर से भी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो रही होती है, क्योंकि सभी लोग फोर्स कर रहे होते हैं कि तुम जाओ छोटन और जाकर के मीनाली से पहले माफी मांगो, क्योंकि मीनाली उसने कुछ गलत तो नहीं किया ना, तुमने ही तो झूठ बोला था जिसका अनुरोध शादी ना करने की बात कर रही है। लेकिन अब यहाँ पे छोटन समझाता है कि मैं क्या करूँ, मेरे पास ना जॉब है ना कुछ, अगर मैं शादी कर भी लेता हूँ तो एक तुम मैं तो खुद को पाल नहीं सकता, मैं उसको कैसे रखूंगा। छोटन बोलता है ठीक है मान लेते हैं कि अगर मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हो भी जाता हूँ तो क्या वो मुझसे शादी करेगा। ये लोग सपोर्ट करने लगते हैं कि तुम छोड़ो ये सारी बातों को, हम ना समझा लेंगे उससे और हम अपने में समझ लेंगे लोग कि वो क्या चाहती है, तुम पहले जाकर के माफी मांग करके आओ। अब बेचारा ना चाहते हुए चला जाता है माफी मांगने के लिए, लेकिन जो घर में वेल अनुरोध की सच्चाई होती है कि वो छिप छिपा कर ही बस जाना को खोजने की पूरी प्लानिंग बना रहा है ना, इसके बारे में जैसे फिर पैसा का पता चलती है तो कहां मुंह पट्टी चुप होने वाली थी। वो तो जाकर के बस उसके मॉम डैड को बता देती है और अब वो लोग ना बस अनुरोध सभी लोग को बुला लेते हैं और अब यहाँ पे चर्चा होने लगती है, क्योंकि भाई जो एक लास्ट रस्म होती है ना उसको करना होता है, सिंदूर को छोड़ करके पहले की जो रस्म होती है उसको ही निभाने की बात कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे अनुरोध बोलता है कि ठीक ठीक ये रस्मों को हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे लोग, लेकिन अर्जुन को भरोसा नहीं होता कि ये इंसान कैसा इंसान है, मतलब रिश्ते निभाने के लिए इतनी जल्दी मान जा रहा है, फिर एकाएक से ये कहीं और निकल जा रहा है, कुछ तो कर, इसको तो भरोसा हो नहीं रहा होता है। और हालांकि इसके साथ एपिसोड की एंडिंग कर गई होती है, ये पोस्ट चिन्ह होता है। अब यहाँ पे वो बोल देता है, वो भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है कि आखिर मैंने तुम्हारे साथ किया क्या है, तुम मेरे पास क्यों कर रहे हो, ऐसा कौन सा कारण है जो तुम मेरी पे हमेशा उंगली उठाती हो, और सी आज बता ही दो। थोड़ी थोड़ी झगड़े भी जो बढ़ रहे होते हैं ना, यही तो सारी चीजें मजेदार होगी ना रिश्ते को तोड़ने में, बवाल होगा यही से। तो खैर बेचारा खुद को समझो तो विक्टिम कार्ड खेलने लगता है, मतलब सारे कांड करके बस चुपचाप हाँ हाँ मैंने तो कुछ किया ही नहीं है वाला ढिमकाना, यही सारी चीजें, और इसके साथ एपिसोड के एंडिंग कर दिए जाते। बट अर्शी को भी वो गलत साबित करने के लिए पूरी कोशिश करता है बेचारा, लेकिन जाना को खोज रहा है ये बात सच है, वो इनडायरेक्टली नहीं सही लेकिन हाँ वो अपनी पूरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। अब देखो गुरु लोग जो भी चीज़ें होगी काफ़ी बेहतरीन होगी। एक्स्ट्रा पोजिशन की बातें करें तो देखो ये झनक जब गई होती है माटी के बंधन डोर पे सेट तो भाई उन लोगों से मिलने के लिए, तो वहाँ पे भी लपड़े हो रहे हैं भाई, पता नहीं किसकी शादी किससे हो रही होती है, सचिन की शादी कहीं हो रही होती है ठीक, वहाँ पे भी जो लीड कैरेक्टर होता है उसकी हल्दी सेरेमनी होती है, वहाँ पे झनक भी होती है, वो गई होती है अपनी फीलिंग्स को समझाने के लिए भी, और वो चाहती है कि जो उसकी लीड एक्ट्रेस है ना उसकी वो मदद कर सके, तो मदद करती है। लेकिन वहाँ पे भी तमाशा बहुत ज़्यादा हो जाता है जो सच में काफ़ी बेहतरीन होता है, हालांकि उन सभी चीज़ों से ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं होता है इतना तो कह सकते हैं। लेकिन भाई पहले ये लोग खुद की स्टोरी पे ध्यान दें, खुद की स्टोरी वीक होती जा रही है किसी दूसरे में बस ज़्यादा करके, क्या है इसका कोई फायदा भी नहीं लगता यार, उल्टा शो पे भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है कि भाई तब तो ऐसे कंपेयर पता चल जाएगा ना कि अरे वो तो सोच सच में बहुत अच्छा बना रहे हैं और ये लोग बहुत बकवास, तो लोग उसी की तरफ में जाएंगे। हाँ बेचारे को पता नहीं कब समझ में आएगा बट क्या कर सकते हैं लोग, इंतजार है गुड़े लोग एक्स्ट्रा प्लॉट की, अगर जब भी आती है तो बातें जरूर होगी। फिलहाल देखते हैं लोग आने वाले एपिसोड में और क्या चीज़ हो सकती है, माफ करना बट एपिसोड में आज के लिए बस इतना है।